Press the subscribe button and click on the bell icon to receive all the latest updates. Hello friends and fellow photographers, I am Kunal and today I have with me Kapil Inderjeet Vohra and इनको जैसे हम लोग दिल्ली में जो हमारा ग्रुप है फोटोग्राफर्स का हम इन्हें कैमरा गियर्स का डॉक्टर भी बोलते हैं. तो जो आज की वीडियो थी वो कैमरास के बारे में थी कि कैसे आप कैमरास की केयर कर सकते हो. एंड आई थिंक काबिल से बेटर कोई पर्सन नहीं है जिनके साथ मैं वीडियो कर सकता हूँ. तो आई हैंड इट ओवर टू कपिल एंड ही टेल यू कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आई थिंक आप बेटर बता सकते हो कि अगर किसी के पास DSLR या कोई भी कैमरा है तो अगर किसी को घर पे ही चाहिए कि वो अच्छे से केयर कर सकें तो आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे. देखिए पहले तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बताना चाहूँगा कि अब जिस तरह से फोटोग्राफी कल्चर हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है या मैं कहूँ ऑल ओवर द ग्लोब बढ़ता जा रहा है, हम सबको अपने गेयर्स अपने इक्विपमेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में जो एटमॉस्फेयर है जो वेदर है जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बहुत ज़्यादा चेंजिंग है. तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्पेशली कैमरा जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम ग्लास को भी इंक्लूड करते हैं वहाँ पे ये जो हमारा देश का जो एटमॉस्फेयर है या जो एनवायरनमेंट है या जो वेदर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैमरास के ख़राब होने में. तो हम घर बैठ करके इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं या फिर हम कैसे कोशिश कर सकते हैं कि हमारे कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चले. तो आज हम इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट उन सब बातों से पहले मैं आपको आपके कैमरास के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या होते हैं क्या नहीं होता है. सबसे पहले तो जब हमारा फोटोग्राफी कल्चर स्टार्ट हुआ 120 फॉर्मेट से फिर 35mm पे आया उसके बाद अब ये मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कैमरा से होते हुए आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो यूज़ कर रही है DSLR डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन. उसमें भी हमारे पास 3-4 मेन कैटेगरीज हैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती है कॉम्पैक्ट कैमरास, उसके बाद हमारे पास होती है मिररलेस, फिर हमारे पास होते हैं DSLR. तो आजकल के टाइम में जो DSLR कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है. है कि मिररलेस भी थोड़ा कैचअप कर रहा है बट अभी मोस्टली अभी भी लोग DSLR ही प्रेफर करते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने. एक्चुअली ये जो रेंज है DSLR की ये अपने हिसाब से लोगों को काफ़ी जल्दी कैच कर लेता है और अपनी मेक से अपने डिज़ाइन से. हालांकि अब मिररलेस भी काफ़ी जल्दी कोऑप कर रहा है अब सेल्स में बट DSLR ज़्यादा. मोस्टली मैं देखता भी अगर कोई लोग पूछते भी हैं तो वो ये पूछते हैं कि DSLR कौन सा लूँ, वो ये नहीं पूछते मिररलेस कौन, क्योंकि सबके माइंड में वही चीज़ चलती है. तो आपने जैसे वेदर का बताया तो अगर आप थोड़ा बता सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत होती है अगर हम हिल स्टेशन में जाए तो वहाँ एकदम हाई टेम्परेचर भी होता है तो यहाँ पे कैसे पहले कोई और मैं, नहीं बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कुणाल. मैं ये सब बातें हम अभी कवर करेंगे लेकिन उससे पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कैमरा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं क्योंकि फिर जब हम उन चीज़ों का डिस्कस करेंगे कि वेदर क्या रोल प्ले करता है और किस वजह से क्या चीज़ खराब हो सकती है तो हमारे देखने वालों को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और वो ज़्यादा अच्छे से फेंगे. और मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने कैमरा के स्पेयर पार्ट्स इस तरह से देखे होंगे. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा CMOS से. CMOS जो सेंसर है वो सबसे ज़रूरी, वैसे तो सारी चीज़ें ज़रूरी है किसी भी एक चीज़ के बगैर कुछ चलेगा नहीं, बट सेंसर जो है वो मेन रोल प्ले करता है किसी भी DSLR में क्योंकि इसी के बिहाफ पे काफ़ी ज़्यादा DSLR बिकते भी हैं कि सेंसर कितने मेगापिक्सल का है या क्या है. तो आजकल जो सेंसर यूज़ हो रहा है DSLR में उसे हम CMOS कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ये किस तरह से काम करता है, ये लाइट को कैप्चर करके उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर कैमरे के मदरबोर्ड को आगे ट्रांसफर करता है जिसे आप अपनी LCD पे देख पाते हैं कि आपने क्या पिक्चर खींची है. तो ये हाँ ये
ये फुल फ्रेम का आप सेंसर देख सकते हैं, ये आगे से इस तरह से होता है, ये भी सेंसर है, सेंसर के ऊपर एक फिल्टर होता है, आईआर फिल्टर कहते हैं हम उसे, और एक फिल्टर और होता है जो आजकल काफी सारी कंपनीज यूज कर रहे हैं जिससे मोसियाक जो है कम हो जाता है। ये पीछे लो पास फिल्टर होता है उसे हम लो पास फिल्टर कहते हैं जिससे मोसियाक जो है वो कम हो जाता है। लो पास फिल्टर होता है वो मैं आपको दूसरे सेंसर में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो है अभी, ये जो आप अभी आप जैसे देख पा रहे थे ये एक सेंसर फुल फ्रेम, ये सेंसर जो है ये क्रॉप सेंसर है। अब फुल फ्रेम सेंसर के ऊपर कोई फिल्टर नहीं है, तो ये बिल्कुल प्लेन सेंसर है जो पहले कैमरास में आता था। इसके ऊपर कोई लो पास फिल्टर भी नहीं है, कोई आईआर फिल्टर भी नहीं है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रॉप सेंसर के सेंसर में इसमें एक ये आप अगर कैमरे में जब वीडियो देखेंगे तो आपको देखेगा ये पिंक शेड सी आ रही है, और अगर मैं थोड़ा सा तिरछा करूंगा तो ग्रीन शेड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड आईआर फिल्टर। तो ये हमारी आईआर रेज को कम करता है और कैमरा की लाइट को या पिक्चर को ज़्यादा अच्छे से दिखाता है। इसी के साथ लो पास फिल्टर भी लगा होता है जो अमूमन हर कैमरे में नहीं होता है, बहुत कम मॉडल्स में आता है। तो अब हम इसके बात करेंगे शटर कर्टेन की। ये शटर कर्टेन होती है, ये पूरी असेंबली होती है, इसे हम शटर यूनिट कहते हैं या कर्टेन असेंबली कहते हैं। ये ब्लेड आप देख सकते हैं, ये शटर ब्लेड है बीच में, और इसको चलाने के लिए ये पूरी यूनिट है, काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, मोटर यूनिट है, और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मूव करती है। ये देखिए शटर जो है ये लोड हो रहा है, और अगर ये रिलीज होगा तो ये देखिए इस तरह से रिलीज होगा। तो ये शटर कर्टेन है, इसे ये एक्चुअली ये फुल फ्रेम का शटर कर्टेन है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही होता है जो क्रॉप सेंसर्स में भी होती है, और बस थोड़ा सा साइज का डिफरेंस होता है। इसके बाद आता है मिरर ब्लॉक, जिसे हम मिरर यूनिट भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मिरर यूनिट जो है काफ़ी सारी चीज़ों का स्पेयर पार्ट के कंटेन करता है। इसमें हम ये जो आप ऊपर ब्लैक पार्ट देख रहे हैं ये पेंटा प्रिज्म है, पीछे की तरफ से देखें तो ये व्यू फाइंडर है। व्यू फाइंडर जो लाइट जो पास होती है एसएलआर सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, जब इस पे आगे लेंस लग जाता है, जैसे ये लेंस आप लगा हुआ देख रहे हैं, लेंस लग जाता है, लाइट ट्रेवल होती है वो प्रिज्म में जाती है, और प्रिज्म से फिर आप व्यू फाइंडर से आप देख पाते हैं। और इसी के पीछे आप देख सकते हैं शटर कर्टेन लगा हुआ क्रॉप सेंसर का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे अलग हो जाता है, ये अभी मैंने हटा दिया है तो ये इसका मिरर चलने लग गया है। तो आई थिंक यही डिफरेंस है एक मिररलेस और डीएसएलआर में जो। जी बिल्कुल, जो मिररलेस में क्या होता है कि ये जो यूनिट है ये गायब हो जाती है पूरी, सिर्फ शटर कर्टेन रह जाता है, तो इसलिए वो हल्का भी हो जाता है और वो फास्ट हो जाता है, तो साइज में भी छोटा हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस ये आपने देखा मिरर ब्लॉक में काफ़ी चीज़ें हैं, मिरर है, पेंटा प्रिज्म है, व्यू फाइंडर है, और शटर कर्टेन कैसे लग जाता है। जब शटर कर्टेन लग जाता है तो ही इसके पीछे सेंसर इस तरह से लग पाता है, ये इस तरह से आप देखें, पहले सेंसर आ गया, फिर शटर कर्टेन आ गया, फिर मिरर ब्लॉक आया, उसके बाद आपका आगे लेंस लग जाता है। ये होने के बाद हम आते हैं ये एलसीडी पे, कई कैमराज में फिक्स होती है, कई कैमराज में मूविंग डिस्प्ले होती है, उसमें इस तरह की बस केबल लगी होती है जिसे हम फ्लैक्स भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये इस तरह से मूव हो जाती है कैमरे पे फिट होने के बाद। तो हम अब जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे कैमरा सेफ रहें और हमारे इस वेदर में स्पेशली इंडिया में हम अच्छे से अपने कैमरों को यूज़ कर पाएँ और वो हम आगे अच्छे से बढ़ते चलें। तो आपने कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है कुणाल, कि आपने कैमरे में बैटरी डाल के छोड़ी हो और
आपने जैसे रात को बैटरी फुल चार्ज करके रखा और नेक्स्ट डे वो फिर उसने काम करना बंद कर दिया, कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई? आई थिंक एक आध बार इतने टाइम में हुआ है। हाँ, उसका रीजन आप बताएंगे तो बेटर है। एक्चुअली में होता क्या है, बहुत जब ठंड पड़ती है, मतलब जैसे बाहर के देशों में तो काफ़ी ठंड पड़ती है तो वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, बट हमारे जहाँ पे जैसे वेदर चेंज होता है तो उसमें अगर हम बैटरी डाल करके रखें कैमरास के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं ये हम बैटरी डाल करके रखें अगर कैमरास के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है चेंजिंग वेदर्स में। और दूसरा अगर कंटिन्यूसली हम बैटरी छोड़ते हैं, कई बार क्या होता है हम लोगों में हम लोग इसलिए कहूँगा क्योंकि कभी ना कभी मैं भी ऐसा कर जाता हूँ, हम लोगों में क्या होता है कि हम बैटरी लगा चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, तो उसमें एक्चुअली बैटरी की जो वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं 7.2 वोल्टेज होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देख पाएं यहाँ पे किसी भी बैटरी पे मेंशन होता है 7.2 वोल्ट, तो जब हम इसे चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं और हम इसे ज़्यादा ओवर चार्ज करते हैं तो ये 7.2 वोल्ट से एक्सटेंड होकर के काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। मैंने कई बार ऐसी बैटरीज भी देखी हैं जो 7.2 वोल्ट से एक्सटेंड होकर के 8.7 वोल्ट तक पहुँच गई हैं, तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर कैमरा। अच्छा, तो और अगर समझिए आपकी बैटरी में वोल्टेज आपने ओवर चार्ज की वजह से 8 वोल्ट हो चुकी है और आपको नहीं पता है कि मेरी बैटरी में कितनी वोल्टेज है और आपने अपने कैमरे में बैटरी डाली और कैमरे को बस खाली ऑफ किया और छोड़ दिया, तो वो जो एक्सीडिंग वोल्टेज है 7.2 वोल्ट के अलावा वो आपके कैमरे को नुकसान पहुंचाती है। अगर ऑफ पड़ा है तो ऑफ पे भी पड़ा है, क्योंकि कैमरा जो मेड है 7.2 वोल्ट के लिए मेड है और कंपनी ने एज ए सिक्योरिटी एज ए सेफ प्रिकॉशन उसको 7.5 वोल्ट तक के लिए बना दिया, लेकिन अगर अब 7.5 वोल्ट से ज़्यादा जो वोल्टेज होगी वो कहाँ जाएगी? मैं खाना खा रहा हूँ और जैसे आजकल गर्मियाँ हैं पानी पी रहा हूँ पेट भरता जा रहा है, अब वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो वो जब वो निकलता है कहीं ना कहीं में तो कैमरा खराब हो जाता है। तो इसलिए डू नॉट कीप बैटरी इनसाइड द कैमरा अगर आपको ज़्यादा देर के लिए रखना है। अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं करना है और ऐसे ही रखना है तो आप उसमें से बैटरीज निकाल के रखिए। नॉट जस्ट कैमराज, मैं कहूँगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसमें से आप बैटरी बाहर निकाल सकते हैं बैटरी निकाल करके रखिए अगर आप उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके बाद जो मेन मैं का प्रॉब्लम मैंने देखी है, लोग ट्रैवल बहुत करते हैं और उसमें लोगों को किसी का लेंस टूट गया, किसी की बॉडी माउंट टूट गया। मेरे पास आजकल बहुत लोग आते हैं निकॉन के कैनन के कैमराज लेकर के कि भैया ट्रैवल कर रहा था, दोनों चीज़ें अलग अलग रखी थी और कहते हैं वो टूट गया कैमरा, पता नहीं कैसे टूट गया, मैंने तो अच्छे से रखा था कैमरा केस में पर वो टूट गया। अब मेरे को अब कई बार अपने आप में बड़ा सुन करके बड़ा गुस्सा भी आता है, कई बार बड़ा मतलब अजीब सा भी लगता है कि मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने कई बार वर्कशॉप भी दी है इसके बारे में, बट फिर भी जनरली जो अवेयर करने वाली बात वो है वो ये कि मैंने देखा है लोगों को अक्सर वो कैमरास को इस तरह से ये लिया और इसे अपने कवर में रख दिया। अब होता क्या है, जब आप ट्रैवल करते हैं ना, ये जो हुड है आपका कैमरा हिलता है कुछ होता है, अब तो केसेस बहुत अच्छे आने लग गए हैं जिसमें नहीं हिलता है, बट कई बार जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे धक्के लगते हैं या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जहाँ पे कैमरा हिलता है। अगर कैमरा हिलता है और ये जो हुड है ये आप देखेंगे, अब ये जो टक्कर हुई है इस टक्कर से नुकसान हुड पे नहीं होगा, अगर ज़्यादा जोर का शॉक होगा तो हुड जो है ये पूरे बैरल को लेकर के निकलेगा, तो ये हुड आपके लेंस को भी नुकसान पहुँचा रहा है और आपकी बॉडी को भी। तो आपको कभी भी कैमरा अपने केस में रखना है हमेशा हुड या तो निकाल करके रखें नहीं तो इसे डीमाउंट करके रखें इस तरह से।
ठीक है, और वैसे सबसे अच्छा सबसे सेफ चीज है आप दोनों चीजों को अलग अलग रखें, लेंस पे लेंस की कैप्स लगाएं, बॉडी पे बॉडी की कैप लगाएं और इनको फिर अलग अलग रखें। इस तरह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो मॉइस्चर आ जाता है कैमरास में या फंगस आ जाती काफी लोगों है। को अभी मेरे को कल परसों जो मिला था वो दिखा रहे थे सेंसर में डस्ट आ गया, उसका रीजन भी ये हो सकता है या नहीं, उसका वो रीजन तो नहीं हमारे यहाँ का होगा? हमारे यहाँ की बड़ी सारी चीजें हैं जिससे हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, तो लेकिन हाँ, मॉइस्चर। इसकी वजह से जो मेन जो रीजन है मॉइस्चर और फंगस, वो आपका कंट्रोल में रहेगा। असल में कैमरा में और लेंस में जो मॉइस्चर या फंगस आता है वो ये इसलिए आता है क्योंकि इसकी एक साइड जो है खुली हुई है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, बॉडी की भी एक साइड खुली है, लेंस की भी एक साइड खुली है। हमने सोचा ये सील्ड हो गया, अब इसमें कहीं से कुछ पास नहीं हो रहा, पर नहीं, अब हमारी कैमरा बॉडी में ऐसी कई सारी जगह है जिससे एयर अंदर जा रही है, जैसे कि ये साइड ग्रिप हो गई, ठीक है, आपने ये देखा, ये मेमोरी कार्ड का स्पेस हो गया है, या बैटरी वाला जो स्पेस है यहाँ से भी एयर अंदर जा रही है। एयर अंदर जाने का मतलब नमी अंदर जा रही है। अब नमी का तो चलो कुछ नहीं, खाली नमी गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब जब आप शूट करते हैं और लाइट ट्रेवल होती है, लाइट क्या है, गरम, अब वो जब वो गरम चीज अंदर जाके नमी से मिलता है तो वो उसे फंगस क्रिएट करता है, मॉइस्चर क्रिएट करता है, जो दोनों चीजों के लिए। फंगस लेंसेज में क्यों आती है, क्योंकि वो ऑप्टिकल है, ग्लास है, और वो बहुत जल्दी नमी को और एयर को कैच करता है, इसलिए ग्लास में फंगस आ जाती है, तो इसलिए हमारे लेंसेज में फंगस आ जाती है, और कैमरा में मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि कैमरा के अंदर जो मदरबोर्ड्स हैं वो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड, ब्रास और प्लास्टिक, तो इसलिए उसमें मॉइस्चर आ जाता है क्योंकि वहां फंगस नहीं लग सकती। तो फंगस का तो जैसे हमें ऑप्टिकल है तो दिख जाता है, हाँ। अगर किसी को कुछ ऐसे साइंस हैं कि उसे पता लगे कि मेरे मॉइस्चर कैमरा में आ रहे हैं, कुछ ऐसा है, या नहीं, रेगुलरली सर्विस कराना से बेटर रहेगा कि रेगुलर सर्विस कराने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन मैं कहूँगा कि एक तो पहले तो आप अपनी चीज़ों को इस तरह से रखें, और सुबह की जो धूप होती है 9 बजे से पहले की, विच इज़ माइल्ड लाइट, उसमें आप कोई एक वुडन प्लॉक ले लीजिए, लकड़ी का एक फट्टा ले लीजिए, उस पे अपने गेयर्स को ऐसे रखिए, कैप लगे रहने दीजिए, इसको भी ऐसे रखिए, और 10 से 15 मिनट के लिए उस लकड़ी के फट्टे पर रख दीजिए धूप में। तो उसमें क्या होगा, जब बॉडी दोनों की हीट अप होगी, उनमें जो मॉइस्चर होगा, जो जमा हुआ मॉइस्चर होगा, वो हीटअप होगा, वेपराइज होके बाहर आएगा, तो जो वुडन जो ब्लॉक है वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप इस चीज़ को आप महीने में एक बार दो बार कर सकते हैं, पर सर्दियों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि धूप जो हो वो साफ हो, वो जैसे फोगी जो होती है लाइट वो नहीं हो, अगर फोगी लाइट होगी तो वो आपके कैमरास में ज्यादा मॉइस्चर भर देगा, तो उसमें आपको देखना है और कुछ नहीं। ठीक है। और ये जो, और इसके अलावा आजकल मैं देख रहा हूँ जिस तरह से हम लोगों के पास टाइम कम होता है, हम नहीं, आकाश भी कम, मेरे पास भी कम है। अब जैसे इसका एग्जांपल लें, मोस्टली लोग सोचते हैं कि आपने शूट किया, अब वो एक्स्ट्रा 20-30 सेकंड कोई नहीं देना चाहता कि लेंस निकाल के रखो फिर शूट करते रह हाँ, जाता हूँ। बट देखिए, अगर आप चीज खरीद रहे हैं, पैसे हाँ डाल रहे हैं और आपको उससे प्यार है, तो मैं तो कहूँगा आपको हाँ करना चाहिए, हाँ इससे आपकी चीज ज्यादा चलेगी, हाँ ज्यादा चलेगी इन सेंस जो क्वालिटी ऑफ कैमरा है या नहीं। क्वालिटी ऑफ लेंस है वो ज़्यादा अच्छे से निकल कर आएगा, क्योंकि मॉइस्चर या नमी कहीं ना कहीं पे एक लेयर क्रिएट करती है सेंसर के आगे भी और ऑप्टिकल के आगे भी, जो आपकी लाइट को पास होने में डिफ़िकल्टीज देता है, और वो अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आता। कई लोगों की शिकायत आती है शार्पनेस कम हो रही है, शार्पनेस रिड्यूस हो रही है, ये भी एक वजह है काफी सारी वजहों में से जिससे शार्पनेस रिड्यूस हो जाती है। और अब आप कुछ बता रहे थे, मैंने आपके रोक दिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आजकल जैसे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं तो दे यूज मल्टीपल सोर्सेज फॉर चार्जिंग देयर बैटरीज। एग्जैक्ट।
अब जो मल्टीपल सोर्सेज है ना, जैसे आजकल बड़े सारे चार्जर्स आने लग गए हैं, कार चार्जर्स, टाइम है नहीं मोबाइल चार्ज करना, मैं भी कई बार करता हूँ पर लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर कैमरा और जो उनकी बैटरीज है उनके लिए जो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड चार्जर है वो ही यूज करना चाहिए और उसे जो पर्टिकुलर जो पावर सोर्स है उसमें ही यूज करना चाहिए। इन्वर्टर और जनरेटर की लाइट में चार्ज करने से बचना चाहिए, ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। ये जो बैटरीज होती हैं लिथियम बैटरीज होती हैं 3 से 4 घंटे की चार्जिंग काफ़ी होती है। मैं कई लोगों को देखता हूँ वो 8-8 घंटे या रात को अब शूट पे जाना लगा करके सो गए कि सुबह उठेंगे बैटरी लेंगे वेडिंग पे चले जाएंगे। जब सीजन आता है बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसा ही करते हैं इसलिए उनके कैमरास ज़्यादा खराब होते हैं और वह ज़्यादा रिपेयर के लिए भागते रहते हैं। तो अगर आप ये भी करेंगे तो कहते हैं उससे भी आप काफ़ी बचेंगे, आपके कैमरास खराब नहीं होंगे, बैटरीज ओवर चार्ज नहीं होगी। और आजकल एक चीज और भी हो रही है, सेंसर बर्न हो जाता है। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ अब ये जो सेंसर है आप शूट करेंगे इसके बीच में आपकी इमेज में लाइन आ जाएगी या कोई पिक्सल डेड हो जाएगा, वो ब्लू रेड कलर पिंक की टोन में हो जाता है या फिर ग्रीन टोन में हो जाता है, जो RGB आपके कलर है रेड ग्रीन ब्लू इस तरह की टोन में वो डेड हो जाता है और आपके पिक्चर पे फिर वो इस तरह के स्पॉट छोटे 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 बने हुए आते हैं या फिर अगर पूरी लाइन डेड होगी तो पूरी लाइन डेड हो जाएगी या पूरा सेंसर बर्न हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अब जिस तरह से फोटोग्राफी का ट्रेंड बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, कई सारी जगह जो लाइट्स यूज होती है वो लेज़र लाइट्स यूज होती है, खासतौर से डिस्कोस में, पब में या किसी तरह के किसी डांस प्रोग्राम में या वेडिंग्स में, बहुत आजकल बहुत जगह इसका लेज़र लाइट्स का ट्रेंड बहुत चल गया है। और जो पहाड़ों में जो सनलाइट होती है आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ट्रैवलर्स हैं और वो कोई ना कोई ट्रैक करने जा रहा होता है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें तो आपका कैमरा सेंसर खराब होने से बचेगा। जब आप शूट कर रहे हो डू नॉट शो योर कैमरा डायरेक्ट टू द लाइट, कि आप अपने कैमरे को लेजर लाइट के बिल्कुल सामने मत रखें या फिर पहाड़ों में जो सनलाइट होती है और वो बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो वो भी आपके कैमरे को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो पहले ट्रैकर्स थे वो कहते थे कि स्पेशल आई ग्लास यूज किया जाता है ट्रैकिंग करते हुए, मेरे पास भी है, मैंने भी लिया था काफी टाइम पहले, मैं जब चंद्रशिला ट्रैक करने गया था तब मैंने लिया था वो। पहले तो मैं लेके नहीं जा रहा था, फिर मेरे जो सर थे उन्होंने कहा नहीं आपको यू हैव टू वियर अ पर्टिकुलर स्पेशल आई ग्लास वरना आपकी आईज जो है खराब हो सकती हैं। हमारी आईज भी क्या सेंसर की तरह है, अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके पड़ेगी तो कोई ना कोई पिक्सल डेड हो जाएगा तो ये आप इससे बचा कर, क्योंकि मैंने कई लोगों का देखा है वो सन को यूज करके वो स्टार बर्स्ट वाला इफेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक हार्म कर सकते हैं। बिल्कुल हार्म करता है, पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एयर जो होती है बहुत थिन होती है, जो सनलाइट आ रही होती है जो यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बहुत डायरेक्ट आती है और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं आपके कैमरास पे, तो उससे बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए वरना वो आपके कहते हैं कैमरा सेंसर को बर्न कर देगी। और इसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी कार्ड के ऊपर, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद भी हैरान था जब मैंने इसके इफेक्ट्स देखे कि वो किस तरह से कैमरे को हार्म करती है। अच्छा। तो मैं आई वॉज मोर देन शॉक्ड कि ये क्या हुआ। आजकल मैंने देखा बीच में कई कंपनीज जो हैं कैमरास में माइक्रो SD का स्लॉट देने लग गई थी, स्पेशल सैमसंग। तो कॉम्पैक्ट कैमरास में इट कैन वर्क बट व्हेन इट कम्स टू DSLR इट डजंट वर्क। तो हम क्या कहते हैं, आपको कैमरास में कभी भी यूज करना है यू हैव टू इंसर्ट अ प्रॉपर SD कार्ड। आप उसमें ऐसा नहीं कि आपने माइक्रो SD कार्ड लिया एडाप्टर में लगाया और कैमरे में डाल दिया। होता क्या है, एक तो साइज की बात करें, ये नॉर्मल SD कार्ड से जो एडाप्टर होता है वो एक सूत या 0.1 mm थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है,
जो आपके स्लॉट जो है उसमें फंस के जाता है और आपके कैमरे का इंटरनल जो स्लॉट है वो टूट जाता है, पिंस टूट जाती हैं। और उसके अलावा ये जो माइक्रो एसडी कार्ड है, अब आप देखें ये ब्रिज हो गए एक तरह से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका कैमरा। आप इसमें देखेंगे फर्स्ट और सेकंड आपका कैमरा, बीच में कोई ब्रिज नहीं है। अब अगर ये ब्रिज खराब हो जाए और ये कार्ड में हमने कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, कैमरा के में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं दे ट्रांसफर एट वेरी हाई रेट, तो उसमें क्या होता है कि कैमरा शॉर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जो मदरबोर्ड होता है जब करंट जो है बैक जाता है, ट्रांसफर सिग्नल्स जो हैं जब बैक जाते हैं तो वो उसमें कैमरा मदरबोर्ड शॉर्ट कर देता है कई बार। और अगर आपका मेमोरी कार्ड जो है अच्छी उसका नहीं है, मैंने देखा है आजकल लोग वीडियो शूट काफ़ी करने लगे हैं, तो अगर आप अपना मेमोरी कार्ड क्लास 10 से कम यूज करते हैं वीडियो शूट करने के लिए तो भी आप अपना कैमरा खराब करते हैं, एज वेल एज क्लाइंट की जो वीडियो फुटेज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी बेकार हो सकती है और हो जाती है। मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को परेशान देखा है इस चीज़ से कि ऐसा होता है। तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ माइक्रो एसडी कार्ड इन योर कैमरा, और सेकेंडली ऑलवेज यूज क्लास 10 मेमोरी कार्ड फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पसेस, अदरवाइज आप अपने कैमरे के साथ नुकसान कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये एक जो चीज़ है एक तरह से अगर इसको जुगाड़ी बोले, मैंने देखा है कई लोगों को करते हुए, तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा चीप पड़ जाता है, क्योंकि माइक्रो एसडी एक ऐसा जो हमारे पास फ़ोन में भी रहता है, तो अडेप्टर के साथ लगा के कई लोग ट्राई करते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और आपको पता लगा जी डेंजरस हो सकता है आपके कैमरा के लिए। तो इसके अलावा एक चीज़ और मैंने देखा है, कई लोग जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरा में ये ऑन ऑफ का बटन होता है, और मैं एक फंक्शन पे था फिक्की ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पे एक साहब थे अच्छे खासे थे, मतलब 50 प्लस होगी उनकी उम्र, और वो फ्रंट सीट से बैठे हुए थे शूट कर रहे थे, और किस्मत की बात थी हमारे पास VVIP पास थे तो हम भी सेकंड रो में बैठे हुए थे, तो मैं बड़ी देर से देख रहा था उन्हें, वो क्या करते कैमरा शूट करते और उसके बाद कैमरा पकड़ते, और जब तक कोई दूसरा उनका फ्रेम नहीं आ रहा है शूट करने का वो बार बार कैमरा ऑन करते ऑफ करते ऑन करते ऑफ करते, चाहे बेशक वो अननोइंगली ये सब कर रहे हैं, बट ये जो बार बार ऑन ऑफ करने वाली ये जो फिंगर है ये बार बार आपके कैमरास को नुकसान कर रही है, क्योंकि आप बार बार कैमरा जो है एकदम से जब आप कैमरा ऑन करते हैं वो एक सेकेंड किसी कैमरे में 2 सेकंड वो लेता है, जैसे हमारे कंप्यूटर ऑन होने के बाद प्रोसेस होने में टाइम लेते हैं, मोबाइल ऑन होने के बाद 1-2 सेकंड लेते हैं, आईफोन तो कुछ ज़्यादा ही लेता है, तो ये चीज़ जो है प्रोसेस होने में टाइम लेती है ऑन होने के बाद, लेकिन जैसे आपने ऑन किया उसे ऑफ कर दिया, आपने प्रोसेस को बीच में ही बंद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके कैमरा के सॉफ्टवेयर को और एज वेल एज आपके कैमरा हार्डवेयर को बीच में ख़राब कर रही है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप कैमरा ऑन करके छोड़ भी देंगे, जैसे आपने मैंने ऑन करके छोड़ दिया कैमरा और मेरे को अभी शॉट लेना है 5 मिनट बाद, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा, ये तो होता ही है, वो आपको कुछ करने दे व्हेन यू पुट योर फिंगर ऑन अ क्लिक बटन कि वो मतलब जिंदा हो जाएगा एकदम से कि हाँ भाई मेरे को शूट करना है, तो उसे ऑन भी रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको कंटिन्यूसली शूट करना है, लेकिन बार बार ऑन ऑफ मत कीजिए उससे, ये आपके कैमरे के लिए बहुत नुकसानदायक है। और एक चीज़ और, हम जैसे अपने कैमरा इक्विपमेंट्स को हम अपने अलमीराज वगैरह में रखते हैं, तो एक आता है ब्लिस्टर पेपर या बबल पेपर जिसे हम कहते हैं बबल रैप वाला, हम बचपन में बहुत मजे लेते थे तोड़ तोड़ के, मैंने काफी वेडिंग फोटोग्राफर्स को देखा है उसमें रखते हुए हैं वैसे। वो जो बबल रैप पेपर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है आपके कैमरा को मॉइस्चर से बचाने के लिए, अगर आपके पास मॉइस्चर, आजकल तो मॉइस्चर फ्री कैबिनेट्स बहुत चल रही हैं, लेकिन हर किसी का बजट नहीं है लेने के लिए, हर किसी का बजट होता भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं,
हम वो ब्लिस्टर पेपर लेके थे अपने कैमरास को, जैसे अलग अलग हमने रखना है वैसे रख करके, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल वी यूज आर कैमराज ऑन डेली बेसिस, बट एज ए अमेचर हमने आज यूज किया, फिर 6 महीने में कभी आएगा नंबर, कभी नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा। और मोस्टली हम लोगों के घर पहले तो जो हमारे पास अलमीराज होती थी, आयरन अलमीराज होती थी, उसमें मॉइस्चर का इफेक्ट बहुत कम पड़ता था, बट अब मोस्टली लोगों के घरों में वुडन कैबिनेट्स होती हैं, वुडन अलमीराज होती हैं, वहाँ पे मॉइस्चर का इफेक्ट बहुत जल्दी आता है, लोगों के घरों में सीलन आ जाती है, एक साथ बने हुए हैं अपार्टमेंट्स इस तरह से। अब जैसे मेरा, अगर मैं अपने बात करूँ, मेरे रूम की अलमीरा जो है वो एकदम दीवार की, मतलब सन डायरेक्ट पड़ता है देन अलमारी है, तो उसके बीच में बस दीवार है, तो वहाँ अगर मैं 2 महीने के लिए भी कैमरा रख दूँ तो उस पर मॉइस्चर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से पानी दीवार के थ्रू मतलब हो ही जाता है, बारिश आती है कुछ होता है मॉइस्चर, तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने कैमरास अलग अलग की लेंसेज अलग अलग किए, उसे बबल रैप किया अच्छे से, बबल रैप करके हल्की सी एक टेप भी उस पर टेप लगा दे, नहीं तो रबर बैंड लगा करके कैमरा को अपने कैमरा बैग में डाल करके रख देंगे, तो मॉइस्चर आने के चांसेस, फंगस आने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बंद हो जाते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी कम हो जाते हैं, आपका कैमरा काफ़ी सेफ रहता है। और एक चीज़ मैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग जो मूविंग एलसीडी का जो सही मकसद है कि आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे व्यू दिखाना जहाँ पे आप नहीं देख सकते, वो उसकी बजाय इसको यूज करते हैं मजे लेने के लिए। माफ कीजिएगा, वो बार बार ऐसे घुमा घूम के और पकड़ के ऐसे इसके कान मरोड़ते रहते हैं, तो कई बार इसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट 1,000, 2,000, 5,000 रुपये तक हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा प्यार से यूज़ करें और कुछ नहीं बस। और कई लोग अपने कैमरास को काफ़ी ज़्यादा देर तक बंद रखते हैं अपनी अलमारियों में, मैं कहना चाहूँगा तुम सबसे कि प्लीज़ अपने कैमरे को महीने में एक बार निकालें, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपनी खुद की, या इस खूबसूरत प्रकृति की कुछ फोटोज लीजिए, अपने कैमरे को चलाएं, आपका कैमरा, आपका गियर बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट, तो वंस अगेन थैंक्स टू कपिल वोरा कि उन्होंने इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन शेयर किया। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे, एंड अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो आपके साथ सोशल मीडिया पे कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं? फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा जो भी इनके सोशल चैनल्स हैं, आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो कुछ, और मैं जीबी प्रो के भी सोशल हैंडल्स नीचे डाल दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। बाय।